हेलो दोस्तों, नमस्कार। और देखो दोस्तों, हमारे पास ये सेट आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये सेट आपको दिखाई दे रहा है और इस सेट में वार्निंग मोड लग चुका है और हम इसे हटाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने घर पे निकाल सकते हो, दुकान में हो तो दुकान में भी निकाल सकते हैं। देखो किस अब पैटर्न चेंज हो रहे हैं इसके। देखो कभी रेड हो जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है, ब्लू हो जाता है, अब देखो अभी वाइट होगा, फिर ऐसे ही ऐसे करके ये चेंज होता रहेगा। अब इसमें पिक्चर नहीं आएगी, ना ही ये हमारा रिमोट है। देखो रिमोट है, देखो इस पर रिमोट भी आपको दिखाई दे रहा, देखो रिमोट भी इस पर काम करता है और सेटों पर ऐसे काम नहीं करेगा। मगर इसीलिए ये पिक्चर इस पर डाली है कि किसी पर अगर ऐसा ऐसा हो जाता है तो आप एक इसे कैसे ठीक करेंगे। देखो तो आप अब देख लो कि इस पर वार्निंग मोड लगा हुआ है और हमें किस तरीके से ये सही करना है। तो इसको अच्छी तरीके से आप देखते रहो पूरी वीडियो हमारी। और दोस्तों हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, कि हम इस तरीके से अब आपको निकाल के दिखाएंगे इस फॉल्ट को कि किस तरीके से ये फॉल्ट हट जाएगा। दोस्तों देखो अब हमें इसे किस तरीके से हटाएंगे। पहले हम सोर्स का बटन दबाएंगे इसमें और सोर्स का बटन दबाने के बाद में देखो इस पर और जितने भी मदरबोर्ड हैं इसमें ये नहीं आता है। देखो ये आ गया। अब इसमें जाने के बाद में आपको 208 या फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री सेटिंग में जाना है। फिर यहाँ से देखो यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये वार्निंग मोड, ये ऑफ कर देना इस सेट में और कुछ नहीं करना है आपको। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये हमारा सेट देखो ओके हो चुका है। अब हम देखेंगे, देखो काम करने लग गया है। अब देखो दोस्तों अब ये काम करने लग गया है। अभी इसमें मैं एक चीज और लगाता हूँ। दोस्तों देखो अब इसमें ब्लू कलर नहीं आ रहा है, हमारे जिस पैनल पे जैसे ब्लू कलर आना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा इसके लिए, क्योंकि जैसे ही हम बर्निंग मोड में से बाहर आते हैं तो इसी तरीके से हो जाएगा ये। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको मेन्यू दबाना होगा, फिर यहाँ सेटअप में जाना पड़ेगा आपको मीटर्स। ये आ गया। अब इसको एरो बटन इस पर ले जाना पड़ेगा, इस जगह पे आकर के आपको ओके करना है। अब ये है ऑफ, यहाँ पे ले जाना है इसको। अब इसको मेनू को हटा देते हैं। देखो दोस्तों अब हमारा ब्लू कलर आ गया है इसमें।